एवरीवन, तो गाइस क्या आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को तो आजादी मिल गई थी, लेकिन इंडिया के कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनको कई सालों बाद आजादी मिली। इनमें से एक प्लेस का नाम है गोवा, जो कि इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, जिसको 19 दिसंबर 1961 में इंडिपेंडेंस मिली। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया की ट्रू इंडिपेंडेंस स्टोरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम गोवा के लिबरेशन वॉर के बारे में। गोवा 1961 में भी पोर्टुगीज के कंट्रोल में था। इंडिया ने कई बार पोर्टुगीज से कहा कि वो गोवा को छोड़कर चले जाए और उसको आजाद कर दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हार के इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय 1961 में, जिसमें इंडिया के तीनों फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। उस समय के जो पोर्टुगल के प्राइम मिनिस्टर थे एंटोनियो सालाजर, उन्होंने अपने गोवा के कमांडर को ऑर्डर दिया कि वो लॉन्च करे ऑपरेशन स्कॉच अर्थ पॉलिसी, जिसके अकॉर्डिंग जो फोर्सेज है वो अपनी सारी के सारे रिसोर्सेस को डैमेज कर देते हैं ताकि एनिमीज उसका यूज ना करे। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया ने टोटल 36 आवर्स में गोवा पे फतेह हासिल करी। तो है ना अमेजिंग। तो गोवा एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो साल में दो बार इंडिपेंडेंस मनाता है, एक बार 15 अगस्त को और दूसरी बार 19 दिसंबर को। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि पूरे इंडिया को हमारी ट्रू इंडिपेंडेंस स्टोरी पता लगे। तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए जीके फैक्ट मसाला को जरूर फॉलो भी करें।